हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटिल टेरेस गार्डन में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना छोटा सा पेंसिल बॉक्स दिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने ये एक हफ्ता हो गया पेंसिल बॉक्स में ये स्पॉटर प्लांट्स लगाया है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सोचा मैं क्यों आप लोगों से शेयर करूँ। कई बार बहुत सारे भाई बहन बाहर से मार्केटिंग करके छोटे छोटे पॉट लाते हैं और उसमें अपना शौक आजमाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि कुछ भी घर का सामान ऐसा हो सकता है जिसमें हमारी कोई ना कोई गार्डन की कटिंग लग सकती है और हमारे जो शौक हैं गार्डनिंग के पूरे हो सकते हैं। प्लांट्स को कहीं भी रखें, इस तरीके के पॉट बना के, जैसे ये देखिए मैंने ये पेंसिल बॉक्स है जो वेस्ट हो चुका था, इसमें कलरफुल पेंसिल आई थी फ्रेंड्स, तो फ्री हो चुका था तो इसका कोई काम नहीं था। अब ये फेंकने के अलावा और इसका कोई भी काम नहीं था। मैंने इसमें फ्रेंड्स मिट्टी फिल करके और ये स्पाइडर प्लांट्स लगाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट्स इस तरीके से प्लांट्स बनते हैं। ये देखिए, इनकी कटिंग को आप इजीली मिट्टी में लगा दें। ये देखिए, यहाँ से इतनी मिट्टी में लगा दें, ये प्लांट्स फ्रेंड्स बहुत इजीली चल पड़ते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इस तरीके से इसको लगा दें। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस पॉट में तो ऑलरेडी जगह पूरी हो चुकी है, मैंने और इसमें चार प्लांट्स लगाए हैं और फ्रेंड्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप कहीं भी रखें, सनलाइट में ना रखें, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो टिप्स हैं वो जल जाती हैं और इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, आप इसको इनडायरेक्टली लाइट में रखें, बहुत अच्छी चलती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये स्पॉटर प्लांट्स इजली छोटे छोटे पॉट में लगाएं, ज़्यादा मिट्टी और पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। मैंने जो ये ज्योमेट्री बॉक्स में लगाया है, सॉरी पेंसिल बॉक्स में, इसमें मैंने किसी भी तरीके का कोई भी ड्रेनेज हॉल नहीं बनाया है। इसको पानी में फ्रेंड्स किसी भी गहरे बर्तन में पानी डालकर रख देती हूँ, दो तीन दिन में एक बार, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ज़रूरत अनुसार। इसके बाद ये अच्छे से हम इसको कहीं भी रखें, खूबसूरत लगता है। तो छोटे छोटे पॉट में घर की वेस्ट निकलती है, उसमें आप अपनी इस तरीके की कटिंग्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलने में आसानी हो। बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।